Hey everyone, how are you all? This is me, Khan Rizwani. I hope you must be doing great. Welcome back to my channel. So students, cell chapter का part 1 video मैंने upload कर दिया है because ये actually class 9th biology का chapter है और book में ये लिखा हुआ है fundamental unit of life के नाम से जिसको हम cell भी कहते हैं. Basically ये topic little lengthy है इसलिए मैं इसे parts में divide कर रही हूँ. Part 1 video मैंने upload कर दिया है, आप playlist में cell chapter के नाम से access कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर कर दूँ स्टूडेंट्स को, आप मेरी चैनल पे आए हो, आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कंसेप्चुअल रहेगा नॉलेज. और ऐसा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप कहीं भी देख लो. मैं बहुत बहुत आसान भाषा में बहुत कुछ जानने को मिलेगा. जो हिडन ट्रूथ है ना, जो कई बार स्कूल्स में कॉलेजेस में ये मेंशन नहीं करते, बस सिलेबस है भाई साहब तो बस पढ़ा दो, बस फटफट ख़त्म कर दो, वो वाला झंझट नहीं है. ओके, वो आपको बिल्कुल सब कुछ स्टोरी चलेगी, बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा. और बहुत कुछ तो वो सुनने को मिलेगा जो कभी आपने सुना भी नहीं है मेरी चैनल पर. मतलब वो मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में अपलोड करूँगी और मैं अपने जनरली सारे वीडियो में भी अपलोड करती हूँ. सो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक रिवीजन कर दूं. जो हमने पार्ट वन वीडियो में देखा था, सेल कहते किसको है, सेल की डिस्कवरी के बारे में, सो उसको ही कंटिन्यू करती हूँ. तो देखो स्टूडेंट, सैसलिडिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअली, मतलब किसी के हेल्प या किसी की थ्योरी पढ़ के नहीं, उन्होंने खुद अपना इन्वेंशन किया था कि प्लांट भी है ना वो भी सेल के बने हुए, सारे प्लांट सेल के बने हुए. और सैचवान साइंटिस्ट, इन्होंने भी इंडिविजुअली एक साल के बाद, सैचलेडिन के एक साल के बाद इन्होंने भी यही रियलाइज़ किया, यही इनको समझ में आया कि एनिमल भी ना सारे सेल के बने हुए. तो इन दोनों ने फिर क्या किया, अपनी इंडिविजुअल फाइंडिंग, इन्होंने जो अपना अलग सोचा था, मतलब जो थ्योरी इन्होंने समझी थी, जो प्रैक्टिकल इन्होंने समझा था, और सैचवान जो इन्होंने समझा था, ये दोनों ने कंबाइन करके एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी और उसका नाम दे दिया सेल थ्योरी. मतलब सो दे बोथ कंबाइंड देयर फाइंडिंग्स एंड फॉर्म्यूलेटेड सेल थ्योरी. सो व्हाट इज सेल थ्योरी? बेसिकली स्टूडेंट, सेल थ्योरी में थ्री मेजर कंपोनेंट्स है. सबसे पहला है, इन्होंने बोला कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म सांस ले रहा है, जो भी जिंदा है, वो सेल का बना होगा, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो कुछ भी हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बर्ड्स हो, जो भी. मतलब लाइफ बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं करेगी. आप जिंदा हो तो आप में सेल है, दैट्स इट. लिविंग थिंग में सेल है, नॉन लिविंग थिंग में सेल नहीं है. चलिए, हो गए, लाइफ है, आप सांस ले रहे हो, आप में सेल है. अब सेकंड इन्होंने बोला, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग. मतलब सारे लिविंग थिंग ना सेल से ही बने हैं, मतलब इनका ये बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट सेल है. जैसे सपोज कर लो, जब घर बनता है तो घर का बेसिक यूनिट क्या होता है? ईंट होता है, ब्रिक्स होता है. बिना ब्रिक्स के आप घर बना नहीं सकते हो, है ना. अगर आप लकड़ी का घर बना रहे हो तो लकड़ी, वुड बेसिक यूनिट होता है. तो सिमिलरली स्टूडेंट, हमारे बॉडी में हमारा बेसिक यूनिट सेल है. सेल ना होता, हमारी बॉडी ना होती, दैट्स इट. एनिमल या प्लांट आप कर लो, या आप किसी भी बैक्टीरिया आप देख लो. अब देखो, अब यहाँ से ट्विस्ट होता है. सो स्टूडेंट, अब दो बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बोली थी, ये आज भी फॉलो की जाती है, लेकिन थर्ड बात जो इन्होंने बोली थी ना अपने सेल थ्योरी में, वो अब रॉन्ग प्रूफ होती है. वो एक्चुअली इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था, एक वर्ड यूज़ किया था, डीनोवा. आप जब क्लास 11th में जाओगे, बायोलॉजी लेते हो, तब आपको समझ में, वहाँ डिटेल में आ जाएगा. इन्होंने बोला था कि जो सेल, न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है ना, तो इन्होंने क्या बोला था कि सेल का फॉर्मेशन ना साइटोब्लास्ट होता है, ठीक है. मतलब जो सेल, जो नया सेल बनता है, एक्चुअली सेल के अंदर साइटोब्लास्ट होता है. इसका मीनिंग आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि अभी समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. उसको जानने के लिए और कुछ भी आपको जानना पड़ सकता है, इसलिए मैं बस इतना शॉर्ट में बोलूँगी. उन्होंने बोला था कि सेल जो न्यू फॉर्म होता है उसमें साइटोब्लास्ट होता है. जैसे क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उन्होंने बोला था बस वैसे ही सेल का फॉर्मेशन होता है. मतलब वो एक नॉन लिविंग थिंग से, सेल एबायोटिक मटेरियल से सेल फॉर्म होता है. बट ये इनका थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गया.
और ये रॉन्ग प्रूफ किया विरचो साहब ने 1858 में। इन्होंने बोला ऐसा नहीं है भाई साहब, सेल जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है, मतलब ऑल सेल कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। और इन्होंने इसी बात को सेल थ्योरी में थर्ड कंपोनेंट में ऐड कर दिया, जो आज भी फॉलो की जा रही है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बेसिकली थ्योरी ऑफ लीनेज रखा। लीनेज का मतलब ये होता है स्टूडेंट डिवीजन, स्प्लिटिंग, टूटना। इन्होंने बोला कि ये जो सेल है ना, सपोज कर लो ये सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, ये सेल क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ये ओल्ड सेल है, ये खुद में टूटेगा, डिवाइड होकर के न्यू सेल में, दो न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था, सिंगल था, डिवाइड हुआ, दो न्यू सेल बना, मतलब ओल्ड सेल से ही हमें न्यू सेल मिलता है, मतलब ऑल सेल कम फ्रॉम मतलब न्यू सेल कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ओल्ड सेल। समझ गए आप, इन्होंने ये थ्योरी रखी थी दुनिया के सामने। और ये तीन मेजर कंपोनेंट है सेल थ्योरी के। अब स्टूडेंट वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट कई बार आपने ऐसा, आप क्लास 7 से ये डिफिनेशन रटते आ रहे हो, इनफैक्ट मैं बोलूँगी आपने, मुझे पता नहीं आपने रटा है या समझा है, लेकिन आप ये पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज सेल, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये बेसिकली मुझे लगता है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गया सेल का। तो मैं इसी बात को बताऊंगी, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं और इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ये वाला सेक्शन देखने के बाद आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आप इसका मतलब भी समझ जाओगे। तो स्टूडेंट सेल थ्योरी को और मॉडिफाई, मतलब उसको और शॉर्ट में करके ताकि हमें सिंपल में समझ में आ जाए, सेल का फंडा वो ये है, सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्रिन, मॉडिफाइड एंड बेटर फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब में सिमिलर बेसिक फंक्शन होगा सेल का, ठीक है। सिमिलर बेसिक फंक्शन से मतलब आप समझ लो स्टूडेंट, देखो ये सेल है, सेल का डायग्राम है, कोई भी सेल हो जाए, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना। ये तीन मेजर कंपोनेंट है सेल के। अब कुछ में एक्सेप्शन है, किसमें एक्सेप्शन है सब डिस्कस करूँगी, डोंट वरी, लेकिन मेजर 99% सेल में ये होता है, ठीक है। और सबके अपने पर्टिकुलर फंक्शन है, जो न्यूक्लियस इस ह्यूमन के बॉडी में जो न्यूक्लियस फंक्शन करेगा, वही न्यूक्लियस का फंक्शन प्लांट के बॉडी में होगा। सिमिलरली आप देख लो, इसीलिए हम कहते हैं सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये हमें स्ट्रक्चर भी देता है ना। अब देखो, अब हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। बेसिकली इसके अंदर मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ, इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको गोल्जी बॉडी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनल है, सब डिस्कस करूंगी, डोंट वरी, आप बस पेशेंस रखिए, वीडियो में बने रहें, मैं सब डिस्कस करूंगी, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, जो फंक्शन ह्यूमन में करेंगे वो सेम फंक्शन प्लांट में करेंगे, ठीक है, वो सेम फंक्शन बैक्टीरिया में करेंगे। इसीलिए सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज डिफरेंट सेल परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शन। बेसिक उनका देखो, सेल डिफरेंट है, साइज डिफरेंट हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो बेसिक फंक्शन है ना, अब क्या फंक्शन है सब डिस्कस करूँगी, वो सब सेम ही होगा। लाइफ इन अ सिमिलर मैनर एंड इवन हैव सिमिलर कंट्रोल मैकेनिज्म। मैं बता चुकी हूँ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, तो वो प्लांट में भी एनर्जी ही देगा, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में एनर्जी देगा, जो कि सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पाया जाता है कंपोनेंट, और वो प्लांट में एनर्जी नहीं देगा, कुछ और ही प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। तो आप समझ गए इसका मतलब। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ तक हम जान चुके हैं कि सारे सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। अब सेल के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर ले, उनका शेप क्या है, साइज क्या है, फंक्शन क्या है, क्या क्या है वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट हम सेल के नंबर पर चलते हैं, ठीक है।
तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। आप ये क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हो, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल। तो यूनिसेलुलर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल है, जैसे अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मल्टी सेलुलर जैसे वी ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, हम लोग के पास बहुत बहुत सारे सेल से हम बने हुए हैं। अब देखो भैया, अब यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है, एक ही सेल है बेचारा, है ना, तो सारा एक्टिविटी तो एक ही सेल करेगा, डाइजेस्ट भी खुद करेगा और रिप्रोड्यूस भी वो खुद करेगा बेचारा, उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन भी खुद होगा, सब कुछ खुद करेगा, वो एक ही सेल सारा काम करेगा। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, प्लांट्स एनिमल्स में क्या है कि सेल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। कुछ सारे सेल के फंक्शन अलग अलग डिफरेंट है, जैसे नर्व सेल क्या करेगा, बॉडी को सिग्नल देगा। आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो सब अलग अलग सेल है, बहुत सारे सेल हैं, तो सेल में फंक्शन सबके अलग अलग डिवाइड किए हुए। सपोज़ कर लो, मैं आपको एक बहुत सा फनी ऐसा एग्जांपल दूंगी, बट ये आपको आई होप समझ में आ जाएगा। सपोज़ कर लो आपके घर में शादी है, ठीक है, और आप एक ही बंदे हो और आप सारा काम कर रहे हो, आप बारात को भी अटेंड कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें, लाइटनिंग अरेंजमेंट करना, केटरिंग अरेंजमेंट करना, सब आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल हो, इंडिविजुअल हो। लेकिन जब आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आपने सारा काम सबको डिवाइड कर दिया ना, यार तुम केटरिंग हैंडल कर लो, तुम बारात को रिसीव कर लो, वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली सेल में भी वही है, एक है बेचारा, सारा एक्टिविटी तो यही करेगा क्योंकि इसको सर्वाइव करना, जिंदा रहना है। अब देखो स्टूडेंट, चूँकि एक सिंगल सेल है, इसकी लाइफ स्पैन भी बहुत छोटी, लाइफ स्पैन मतलब जीवन रेखा आप समझ लो, इसकी बहुत छोटी बहुत शॉर्ट होती है, और मल्टी सेलुलर की लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक वो सेल जीवित रह सकता है। बेसिकली सारे सेल डिवाइड होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, है ना, ख़त्म होते हैं 5 मिनट में। इस 5 मिनट में हमारे बॉडी में कितने सारे सेल का डिवीजन हो रहा है, कितने सारे सेल टूट रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, और न्यू सेल को ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसके लाइफ स्पैन मल्टी सेलुलर के सेल के बहुत ज़्यादा होते हैं और सिंगल सेल के कम होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैं ज़्यादा आपको डिफाइन नहीं करूँगी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में, क्योंकि आप इसे 8th में पढ़ चुके हो और आपको 9th में पढ़ना है, पर थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि इतना नॉलेज आपको हो चुकी होगी। देखो स्टूडेंट, यूनिसेलुलर एक ही सेल है, ये डिवाइड, और हमें पता है सेल डिवाइड होकर के दूसरा सेल बनता है, क्योंकि विर्चोसा हमने ये प्रूफ कर दिया है दुनिया के सामने, थ्योरी रख दी है। तो ऑफस्प्रिंग जो इनके बच्चे होंगे ना, वो बिल्कुल पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल होंगे, एकदम सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ्यूज़ होके नहीं ना बन रहे हैं कि कुछ आपका भी आ जाएगा मुझ में और कुछ मेरा भी आ जाएगा और दोनों कंबाइन होकर तो दूसरा ऑफस्प्रिंग हमारा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसमें एक ही पेरेंट्स है, तो ऑफस्प्रिंग भी जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। बट मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, है ना, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑफस्प्रिंग सम वे में डिफरेंट होते हैं, सम वे में सिमिलर होते हैं। अब इस पर्टिकुलर लाइन को डिफाइन अगर करूँ स्टूडेंट, तो पूरा 1 घंटा टाइम लग जाएगा, लेकिन चूँकि आप क्लास 9th में हो, तो उसके सिलेबस के हिसाब से अब बस इतना ही समझ लो। सो स्टूडेंट, अब बस एग्जांपल देख लो, यूनिसेलुलर में अमूबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, मल्टी सेलुलर में एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में, इतना आप जान लो आपके लिए काफ़ी है। तो हमारा मोटिव यही है स्टूडेंट, कम समय में ज़्यादा नॉलेज को गेन करना, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के पीछे आधा घंटा पढ़े हुए हैं, मालूम हुआ हमारा सारा सिलेबस ही टाइम हाथ से चला गया और एक ही टॉपिक को हमने समझने में सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सो स्टूडेंट, अब देखो, अब सेल के बारे में, रियल सेल में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। देखो, 3 फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, ये 3 मेजर फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सारे सेल में इतने 3 चीज़ें तो होंगे ही होंगे। पहला क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, सबको डिफाइन करूँगी, डोंट वरी। तो स्टूडेंट, सेल का मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो चाहे आप सेल मेम्ब्रेन कहो चाहे आप प्लाज्मा लेमा कहो, ये बायोलॉजी में तीनों का एक ही मतलब होता है। बायोलॉजी पढ़ने आप पढ़ रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें एक ही बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन जिसका मतलब एक ही होगा। और बायोलॉजी अगर आपको बहुत आसान से पढ़ना है तो आपको वर्ड तोड़ तोड़ के याद करना पड़ेगा, मतलब वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, डेफिनेशन आप प्रॉपरली खुद ब खुद ड्राइव कर लोगे। तो देखो स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा आपके घर में बाउंड्री होते हैं ना कि भाई साहब ये इतना एरिया मेरा ये बाउंड्री है, तो वैसे ही सेल का ये बाउंड्री है, आउटर वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल का बीच का हिस्सा को हम साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब ही होता है बायोलॉजी में सेल, सेल का प्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म बीच के हिस्सा को, ये बेसिकली जेली फ्लूइड जैसा रहता है और इसी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनल रहते हैं, ठीक है, जो लिविंग जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए ना, जो क्लोरोप्लास्ट हो गए वगैरह वगैरह सब इसके ही अंदर मौजूद होते हैं। और सेंटर में स्टूडेंट्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सबसे खतरनाक चीज़ है सेल का, पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे बॉडी की एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है वैसे सेल की एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नेचर क्या है, इसको मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस सेल, मतलब ट्रू न्यूक्लियस सेल, प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, कैरियोटिक अगेन आप समझ लो न्यूक्लियस सेल, ठीक है। मैं इतना डिस्कस कर ली हूँ इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट सेल नंबर के बारे में, सेल शेप के बारे में, सेल्स साइज के बारे में। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी इसलिए नहीं बना रही क्योंकि कई बच्चे इतना लॉन्ग तक देखते नहीं, उन्हें बहुत बोरिंग लगने लगता है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट करके आपके सामने रख रही हूँ। आई होप आपको इतना समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, आ गया होगा इनफैक्ट। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वो स्पेशली बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैंने कब कब वीडियो अपलोड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, God bless you all.